आप हैं श्री कुलभूषण गुप्ता जी, फर्म रामकनवार रामनिवास। आप दालों एवं चावल के थोक विक्रेता हैं। आप सन 1978 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत, अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे व्यक्ति से साक्षात करवा रहा हूँ जिनकी रिकॉर्डिंग अब कुछ देर पहले आई थी। उससे लोगों का बहुत से मेरे पास फोन आए, बोले हनुमान जी, गोलछा जी ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला है अपने बारे में, आपके बारे में। उनसे आपको मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा मेरे को काफ़ी लोगों का, महाराष्ट्र, MP, पंजाब, हरियाणा, जो जो उनको जानते हैं, आज ऐसे व्यक्ति के लिए दोबारा मुझे आना पड़ा। उनसे प्रार्थना करी कि बाबू जी, इतना सा मैं आपसे समय लेना चाहता हूँ, और इन्होंने समय देने की जो कृपा की है, मैं पहले तो इनका आभार प्रकट करता हूँ। इनका नाम है श्री कुलभूषण जी, फर्म का राम कुमार राम निवास के मालिक हैं, नया बाजार में हैं। इनसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा, ये व्यापार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, परिचय के बारे में बताएंगे। बाबू जी, कुलभूषण जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आज फिर आपके पास आया हूँ कि आप अपने व्यापार के बारे में पहले जानकारी दीजिए और कैसे क्या है जिसे व्यापारी भाई आपके उससे प्रेरणा ले सके। मैं कुलभूषण गुप्ता, परम राम कुमार राम निवास से, मैं सन 1978 में नया बाजार के अंदर चावल और दालों का व्यापार कर रहा हूँ। मेरे परिवार की दो फर्में और हैं यहाँ पर, किशोरीलाल चंद्रवान कंपनी और चंद्रमान ओम प्रकाश। इसमें कैलाश गुप्ता और सुभाष गुप्ता मेरे बड़े भाई हैं। मेरा जीवन इससे अलग, व्यापार से भी कुछ चीज़ों के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं राजस्थान खेल की उसमें भी रहा, मैं खेल के अंदर काफ़ी जो है मैंने भाग लिया। मैं राजस्थान क्लब का क्रिकेट टीम का 5 साल तक कैप्टन रहा और 5ों साल तक मेरी टीम विनर टीम रही। मदनलाल, कपिल देव, ये इस तरीके के जो नामी खिलाड़ी हैं, उन सब लोगों ने मुझे विजय ट्रॉफी दी और मेरा मान बढ़ाया। अब इसके अलावा मेरा सेवा का काम जो है, मैंने हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के अंदर मेरा सेवा का काम चलता रहता है। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से और बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से, इनसे जुड़ करके लोग बाबू की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। जिसका जो सेवा मेरे द्वारा हो सकती है, उसका प्रयास मेरा बराबर रहता है। इसी प्रकार मेरी सेवा सालासर धाम विकास समिति की ओर से मुझे सालासर के अंदर मिली हुई है। सालासर के 25 से 30 किलोमीटर के चारों तरफ का एरिया हमारे विकास के अंतर्गत आता है। उसकी जो सेवा है वो संस्था की तरफ से वो मेरे पास ही है। मैं यही हनुमान मंत्री से कहना चाह रहा था कि बाबा की एक बात मैं आपको और बतलाता हूं आज। कोई नर, कोई देवता, कोई मानव आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी जीवन में जो असफल नहीं हुआ हो। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो जीवन में कभी भी असफल नहीं हुए, इसीलिए उनका नाम सदा सफल हनुमान भी कहा जाता है। हनुमान जी ने जो काम उनको मिला, जो हाथ में लिया, उसमें पूर्ण रूप से सफल हुए। हनुमान मल जैन जी का नाम भी हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी रूप में है। इनका तो हनुमान जी के साथ नाम और मन का दोनों का लगाव है। तो मैं इनसे यही चाहता हूँ, अब इन्होंने शुरू में जो है
पॉकेट डायरेक्टरी निकाली थी, बहुत सुंदर थी। उसके बाद में इन्होंने इस साइज की डायरेक्टरी निकाली जो भी बहुत प्रचलित हुई। अब समय बदल गया और एडवांस आ गया, तो ई डायरेक्टरी ये लोग बना रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत उसके लिए मैं इनको जो है वो धन्यवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि व्यापारियों का साथ इनको रहे और इस काम में ये पूर्ण रूप से सफल हों। धन्यवाद। सुना आपने कुलभूषण जी का सक्सेस में सारा कुछ, इन्होंने व्यापारी के प्रति, मेरे प्रति, कार्य के प्रति कैसा है, किस तरह करना चाहिए, ये भी बड़े जुझारू रूप से कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एक से कई संस्थाओं से, खेल कूद में क्या अलग, व्यापार में जो अपना कर ही रहे हैं, बाकी ज्यादातर शाला सर बाबा के उसमें पूरा भगत के कारण कह लूँ या पूरी तरह से समर्पित भाव से वहाँ है और वहाँ के प्रधान भी अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का आज अमर ज्योति डायरेक्टरी जय सुजोग पत्रिका परिवार आपका अभिनंदन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए खुशी का अनुभव कर रही है और मैं अपने आपको गौरवित महसूस कर रहा हूँ। भाई जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया, धन्यवाद।